हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेजी आर्ट फॉर यू में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर शेप में वॉल हैंगिंग लैम्प। इसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम, वो है ये आयरन रिंग है, जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी स्टेशनरी शॉप में, जो भी डेकोरेशन का मटेरियल मिलता है वहाँ पर। और इसके साथ में हमने कार्डबोर्ड शीट, थर्माकोल शीट है, और ये ब्लैक पेपर शीट एंड वाइट पेपर शीट यूज़ में ली है। देन इसके साथ हमने ये कॉटन थ्रेड एंड ग्लू में हमने फेविकोल यूज़ में लिया है, और ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट है। एंड कलर में हमने दो कलर यूज़ लिए हैं, ब्लैक कलर एंड गोल्डन कलर। एंड जो ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजिंग टेप, अपना कटर्स हैं, सीजर हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं, एंड ये प्लायर जो अपन यूज में लेने वाले हैं, इलेक्ट्रिक वायर, टेप एंड बल्ब होल्डर, एंड ये बल्ब है। बल्ब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, एलईडी बल्ब भी। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम, ये जो अपनी आयरन रिंग है उनको हम रैप करेंगे ये अपनी जो भी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट है उससे। ये इसलिए रैप कर रहे हैं जो हम इस पर कॉटन थ्रेड से रैप करने वाले हैं इसको, और वो क्या है कि ईजिली रिमूव हो जाए अपना। इसको अच्छे से पैक कर देंगे इसको। ये तीनों फ्रेम को अपन इसमें लगा लेंगे, अच्छे से रैप कर लेंगे। देन अब अपन को करना है फेविकॉल एंड कॉटन थ्रेड्स का यूज़। अपन का ये रेशियो लेना है, यहाँ पे फेविकॉल का लेना है 60% एंड वाटर लेना है अपन को 40% रेशियो लेना है यहाँ पे। एंड ये इसमें कॉटन थ्रेड डाल देंगे। अब इसको पूरा इस पर रैप कर लेंगे कॉटन थ्रेड को इस फ्रेम में। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जिग-जिग शेप में आप यूज़ कर लीजिए, उससे और भी अच्छा लगेगा। कैसे भी आप जिग-जिग शेप में भी आप इसको रैप कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका। देखिए दोनों तरफ से इसको रैप करना है, जिससे क्या है हमें दो नेट मिल जाएंगे दोनों साइड से। इसको कम से कम आपको एक दिन सुखा के रखना पड़ेगा, जिससे ये अच्छे से प्रॉपर सूख जाएगा। अब इसको क्या है कि अपन कलर कर लेंगे। अभी जैसे ये फर्स्ट हम रेड कलर कर रहे हैं, और कलर बाद में इसलिए कर रहे हैं काफ़ी के आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कलर में भी मिक्स कर सकते थे फेविकॉल में भी, लेकिन उसमें क्या है कलर बहुत लाइट हो जाता और कलर भी ज़्यादा यूज़ में लेते, तो इसलिए जैसे हमने तीन कलर किया, पिंक कलर और ब्लू कलर एंड रेड कलर, तीन नेट अपन ने बना लिए। इससे अपन को 6 नेट मिल जाएंगे। इसको कटर की मदद से कट कर लेंगे। इसको कट करके बिल्कुल धीरे से यहाँ से इसको हटा लेंगे। अब पॉलीथीन की वजह से क्या इजीली ये यहाँ से रिमूव हो गया, नहीं तो प्रॉब्लम आती है, नेट प्रॉपर बन नहीं पाता। देखिए ये कार्डबोर्ड है स्क्वायर शेप में, जो 6 इंच बाय 6 इंच का है, जिससे क्या है कि इजीली अपन इसको मार्क कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल नेट पर हम इजीली मार्क कर पाएंगे इससे। पहले कार्डबोर्ड कट कर लिया, उसकी अब कार्डबोर्ड की हेल्प से इस पर ईजिली मार्क कर रहे हैं नेट पे। अब नेट को क्या है कि ईजिली अपन कटर से या सीजर की हेल्प से अपन कट कर लेंगे। कट करके इसको कहीं पे भी ऐसे सेफ जगह रख देंगे, जिससे ये ख़राब नहीं हो। देन हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड से अपन को स्टिक्स बनाने हैं।
ये सारे जो भी अपने हेल्प की चीज़ें हैं उनकी हेल्प से ये स्टिक्स बना ली है अपन ने। इनकी जो चौड़ाई है वो तो है 1 इंच और इनकी जो लंबाई रहेगी ये बड़ी वाली स्टिक है उनकी रहेगी 6.5। एंड ये जो छोटी वाली स्ट्रिप बनाई है वो रहेगा अप्रॉक्स 4.6 इंच। अपन को ये कार्डबोर्ड ये फ्रेम रेडी करना है, इसको चिपका देना है। ऐसे ही अपन को 6 फ्रेम रेडी करने हैं सेम साइज। ये 6 फ्रेम अपने रेडी हो गए हैं। अब इन फ्रेम पे अपन ये पेपर रैप कर देंगे। यहाँ पर अपन ब्लैक पेपर शीट भी यूज कर सकते हैं, फिर क्या अपन को कलर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी उस पर। अभी लॉकडाउन इशू की वजह से अभी यूज़ कर रहे हैं। अब इसको पूरा रैप कर देंगे शीट को, जिससे क्या है कि कलर करने में थोड़ी फिनिशिंग रहेगी अपने लिए। वैसे अपन डायरेक्ट भी कार्डबोर्ड पे भी कलर कर सकते थे, लेकिन इसके ऊपर कलर करेंगे तो अपनी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आएगी। इसको अच्छे से ग्लू करके रैप कर देंगे। इसमें कलर कर देंगे ब्लैक कलर। इसको सूखने देंगे जब तक ये सेट हो जाए। अपने सारे फ्रेम्स में इसे हम ब्लैक कलर कर दिया अपन ने। अब फ्रेम के ऊपर अपन ये सारे नेट लगा देंगे। पहले एक ग्लू लगा देंगे नीचे, देन इसके ऊपर ये फ्रेम अपन लगा देंगे। ये नीचे से अच्छे से स्टिक हो जाएंगे इससे। देन अपन को फिर से इसके ऊपर ग्लू लगाना है जिससे ये प्रॉपर पूरा फिक्स हो जाए, कोई भी थ्रेड्स निकले नहीं। देखिए रेडी हो गई है अपनी पूरी, जितने भी अपने फ्रेम्स हैं 6 फ्रेम्स 3 कलर के अंदर हैं अपनी, रेड ब्लू एंड पिंक कलर। अब देखिए इसको सबको अपन ने सेट कर लिया है। अब इसमें जी ये है पेपर का स्ट्रिप अपन को चिपकाना रहेगा, जिससे क्या है कि ये अपना ग्लू लगा कर ये पेपर का स्ट्रिप अपन इस पर चिपका देंगे, जिससे क्या है कि इजीली मूव हो पाएगा। ये पूरा बॉक्स की शेप में जो अपन को बनाना है इसको, सेम अपन को साइड वाले यहाँ पर भी अपन पेपर शीट ये लगा दिए स्ट्रिप अपन ने। देख लिए इजीली मूव हो पा रहा है ये और अपना बॉक्स की शेप में ये बन जाएगा। और ओपन भी ऊपर भी अपन ने ये पेपर स्ट्रिप लगा दिए।
अपना साइट वाला बॉक्स रेडी हो गया। और ऊपर से अपन एक फ्रेम और लगा देंगे यहाँ पर। पहले अपन ने यूज़ किया था ब्लू एंड पिंक कलर ये ऊपर, और यहाँ पर अपन रेड कलर वाला फ्रेम यूज़ करेंगे। ये फिक्स हो गया है, ये ऊपर भी नेट लगाएंगे। इससे पहले हमें लगाना है बल्ब के लिए, ये ऑर्डर अपन ने लगा दिया है वायर में, और यहाँ स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अपन इसको छेद कर लेंगे यहाँ पर, जो अपन को इलेक्ट्रिक वायर निकालना है यहाँ से। देखिए इजीली आराम से बिल्कुल। ये बल्ब अपन यूज़ कर रहे हैं 3 वॉट का, यहाँ पर एलईडी बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे इसको फिक्स कर देंगे तो बल्ब कैसे चेंज करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अपन 3 साइड से कट करके अपन इसको कोई सा भी फ्रेम एक हटा सकते हैं साइड से, और इसका बल्ब चेंज करके इजीली ग्लू से स्टिक कर दीजिए वापस। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हमने ये फ्रेम भी लगा दिया, इससे हमारा ये पूरा बॉक्स कवर हो गया है। अब इसका ऊपर का बेस रेडी करते हैं, जिसमें अपन ने ये स्क्वायर शेप में 9 इंच बाई 9 इंच का थर्माकोल शीट ली है। अभी हमने ये ब्लैक पेपर शीट और थर्माकोल थोड़ा मैनेज किया है लॉकडाउन इशू की वजह से, तो थोड़ा आपको लगेगा कि वो रीयूज़ कर रहे हैं हम मटेरियल्स। इसको पूरा फ्रेम कर देंगे ब्लैक पेपर शीट से थर्माकोल को ग्लू के साथ। कॉर्नर्स भी पेपर से रैप कर देंगे, जो अलग से अपन को वाइट थर्माकोल दिखे नहीं रैप करने के बाद। कॉर्नर्स में ही फिनिशिंग अच्छी रहे। ये लगा दिए। अब ये अपना कार्डबोर्ड है 6 इंच बाई 6 इंच का, इसको भी वाइट पेपर से रैप कर देंगे। इसको वाइट पेपर से अच्छे से रैप करने के बाद में ये देखिए रैप हो गया है अच्छे से। अब इसके बाद अपन गोल्ड कलर यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ब्लैक और गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कोई दूसरा कलर भी अगर इसको साथ में कर सकें तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल यूज़ करूँगा मैं उसे। रेडी हो गया पूरा गोल्डन कलर से। इसको यहाँ बीच में सेंटर में फिक्स कर देंगे। ये ग्लू लगा के अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे। ये रेडी हो गया हमारा बेस पीछे का। अब जो हमको बॉक्स हैंग करना है उसके लिए हमें हैंग करने के लिए फ्रेम रेडी करना है, जो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए सबसे पहले जो हम रेडी कर रहे हैं, इसकी जो विड्थ रखेंगे हम वो है 4 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो विड्थ जो है हमारी वो 4 सेंटीमीटर है, और जो इसकी लेंथ है वो है 4 इंच। और ये जो राउंड शेप है वो किसी भी चीज़ से आप राउंड शेप ले सकते हैं, जैसे अगर आप कंपास आपके पास है घर में अवेलेबल तो कंपास से भी आप राउंड शेप ले सकते हैं। देखिए रेडी हो गया है। इसको हम कट कर लेंगे पेपर को, इसकी हेल्प से हम कार्डबोर्ड और थर्माकोल का कटिंग करेंगे।
देखिए कार्डबोर्ड शीट में और थर्माकोल शीट में इसको कटिंग कर लीजिए। रेडी हो गए हैं, ये देखिए पहले इसमें साइड में स्ट्रिप नहीं थी, ये स्ट्रिप अपन को लगानी है इसमें, ये दूसरा कार्डबोर्ड से ये कट करिए स्ट्रिप के साथ में, जो कि अपन को जो बेस है अपना स्क्वायर शेप वाला उसमें फिक्स करना है। ऐसा ही थर्माकोल के अंदर भी अपन ने एक्स्ट्रा लगा दिए, ये एक साइड से कार्डबोर्ड फिक्स चिपका दिया इस पर और ये दूसरी साइड से अपन को ये कट करके थर्माकोल से जो इलेक्ट्रिक वायर अपन को यूज़ करना है तो इसके लिए कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर इसको इलेक्ट्रिक वायर को फिक्स कर देंगे। शीट से दूसरी तरफ शीट अपन इसको चिपका देंगे। अब इसे भी अपन ब्लैक पेपर शीट से पूरा रैप कर देंगे। देखिए प्रॉपर बिल्कुल पहले से ही यूज्ड पेपर है जो अभी यूज लेना पड़ रहा है लॉकडाउन इशू की वजह से। ये देखिए इस तरीके से पूरा इसको अच्छे से चिपका देंगे, ये दोनों तरफ से रैप हो गया है। ये तो हो गया साइड से, अब इधर से ये अपन को 4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप कट करनी है जिसकी हेल्प से अपन को पूरी साइड से भी रैप कर देंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप अपन ने कट कर ली। आपको वीडियो काफी लंबी लग रही होगी लेकिन थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए लंबी हो ही जाती वीडियो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए इसको पूरा ऐसे रैप कर देंगे। देखिए रेडी हो गया फ्रेम भी, अब इसको कट करिए जो अपना पीछे का बेस है यहाँ पर इसको फिक्स करना है। उसके लिए अपन को सेंटर पॉइंट पहले ले लिया अपन ने, सेंटर पॉइंट बना के
आपको इसका बिल्कुल जो भी स्क्वायर शेप में नीचे का है उसका हम मार्क कर लेंगे। ये देख लीजिए जो भी इसको ये स्क्वायर शेप में मार्क कर लिया है, उसको कटर की हेल्प से इसको पूरा कट कर लेंगे पूरे शेप को अंदर तक। पूरा कट कर लिया अपन और उसको पूरा फिक्स कर देंगे। ये इसमें ग्लू लगा के अपन फेविकोल ग्लू लगा के अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको सूखने देंगे जो अच्छे से फिक्स हो जाएगी। पीसेस देखिए जो डायरेक्ट अपन मेन सप्लाई में वायर लगाएंगे वो है ये, और आगे से अपन को ये बॉक्सेस में लगाना है। वायर अच्छे से यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से पूरा अच्छे से रैप करना है। तो अच्छे से रैप करें यहाँ पर। ये स्क्रू की हेल्प से यहाँ पर हैंग कर दिया है। और थैंक्स अपने चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।